नमस्ते इंडिया, वेलकम टू रेसल इंडिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रोमन रेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे रोमन रेंस से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप रोमन रेंस के बहुत बड़े फैन हैं तो हो सकता है आप इन फैक्ट्स के बारे में पहले से ही जानते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर वन, रोमन रेंस का रॉयल रंबल रिकॉर्ड। बहुत सालों से केन ने रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा रेसलर्स को एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। रोमन रेंस ने इसे 2014 के रॉयल रंबल में तोड़ दिया था। केन के नाम 11 रेसलर एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड था, पर रोमन रेंस ने वहां पे 12 रेसलर को एलिमिनेट किया था और इसी के साथ ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हालांकि वो 2014 के रॉयल रंबल को जीत नहीं पाए थे, यहाँ पर जीत बतिस्टा की हुई थी। नंबर टू, रोमन रेंस एक रेसलर होने से पहले एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, पर उन्होंने फुटबॉल करियर को छोड़ दिया और 2010 में उन्होंने रेसलिंग करियर को ज्वाइन किया। सिर्फ 7 सालों में ही रोमन रेंस ने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। नंबर थ्री, रोमन रेंस पहले लीकी नाम से रेसलिंग किया करते थे। उनके करियर में रोमन रेंस उनका कभी भी पहला नाम नहीं था। नंबर फोर, रोमन रेंस सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 3 बार के WWE चैंपियन बन गए थे, जहां वो पहली बार नवंबर 2015 में चैंपियन बने थे, दूसरी बार वो दिसंबर में बने थे और फाइनली तीसरी बार अप्रैल में बने थे, जहां उन्होंने रेसलमेनिया में ट्रिपल एच को हराकर अपनी तीसरी WWE चैंपियनशिप जीती थी। नंबर फाइव, रोमन रेंस पहले शील्ड का हिस्सा नहीं होने वाले थे। WWE में शील्ड का आइडिया सीएम पंक ने लाया था। सीएम पंक ने इसके लिए सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस और एक क्रिस हीरो नाम के रेसलर का नाम चूज किया था, पर WWE को क्रिस हीरो का आइडिया पसंद नहीं आया और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया रोमन रेंस से। तो फ्रेंड्स, ये थे रोमन रेंस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किसके ऊपर बननी चाहिए और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स और रेसलिंग के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।